कोरबा नगर निगम में अब तक गीला और सूखा कचरा कलेक्ट करने के साथ ही गार्बेज का वैल्यूएशन करने के लिए अब कचरों को 17 श्रेणियों में अलग किया जा रहा है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली स्वच्छता दीदी डायपर और सैनिटरी पैड के साथ ही कांच और सुई जैसी खतरनाक अपशिष्ट को अलग से कलेक्ट करेंगी, जिसके लिए शुरुआत में कुछ चुनिंदा वार्डों में लाल और काले रंग का डब्बा भी दिया गया है। महिलाओं के महावारी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले सैनिटरी पैड हो या फिर बच्चों के डायपर, इस अपशिष्ट को बाहर फेंकने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती है, मगर अब महिलाओं को इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। निगम द्वारा सूखा कचरा और गीला कचरा के साथ दो डस्टबिन दिए जाएंगे। अब सैनिटरी पैड, डायपर, कांच, सुई जैसे खतरनाक अपशिष्टों का अलग से कलेक्शन किया जाएगा। इन्हें नियमानुसार डिस्पोज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, लगातार हम लोग सोर्स एग्रीगेशन पे और जो गार्बेज आता है उसको अलग अलग कैटेगरी में सेग्रीगेट करके उसमें वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। जितना हम गार्बेज को सेग्रीगेट करेंगे उतना ही उसका वैल्यू एडिशन होता है। पहले 3 से 4 प्रकार के कैटेगरी में सेग्रीगेशन होता था, लेकिन अभी हम लोग SLRM सेंटर में 17 प्रकार का उसका सेग्रीगेशन कर रहे हैं। और इसी के तहत जो हमारे जो सफाई मित्र हैं और जो स्वच्छता दीदियाँ हैं, उनको ये अलग से निर्देशित किया गया है कि जो पैंपर्स आते हैं और ख़तरनाक जो हजार्डस वेस्ट रहते हैं, तो उनके लिए अलग से उसका परिवहन करें, अलग से उसको सेग्रीगेट करें, और सेग्रीगेट करके फिर उसमें जो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेस्ड करने लायक है, उनको हम लोग प्रोसेस करते हैं, और जो डायरेक्ट मार्केट में सेल आउट हो सकता है तो उसको सेग्रीगेट करके सेल आउट करते हैं, जिससे कि हमारे जो साफ़ सफाई व्यवस्था है वो भी बेहतर होगी, डोर टू डोर कलेक्शन भी बेहतर होगा, और जो हमारी स्वच्छता दीदियाँ हैं उनकी आय भी बढ़ेगी। निगम ने इन दो प्रकार के गार्बेज को अलग रखकर कलेक्ट करने के निर्देश दिए हैं। आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि वह सैनिटरी वेस्ट और खतरनाक अपशिष्ट को गीले और सूखे कचरे में न मिलाएं। गीले और सूखे कचरे की दो श्रेणियां होने के कारण कई बार लोग सैनिटरी और कांच जैसे अपशिष्ट को आपस में मिक्स कर देते हैं। घर से निकले गीले कचरे को वर्मी कंपोस्ट के जरिए खाद में परिवर्तित किया जाता है। पहले हम लोग को 2 डस्टबिन मिला था, एक हरा, एक नीला, गीला और सूखा के लिए। अभी हम लोग को 2 और डस्टबिन मिलेगा और आधे लोगों को मिल चुका है, जिसमें सैनिटरी पैड रखते हैं 1 में और 1 में जो सिरिंज रहता है या कांच के टुकड़े रहते हैं वो रखते हैं, जिससे जो दीदी लोग जाते हैं तो अलग से रखते हैं, तो उसमें उनको लोग चोट वोट जो नहीं लगता है और अच्छे से काम करने में सुविधा होती है। पहले वही कांच वाच जो होता है ना, वो जो पब्लिक है वो सब उसी में डाल देते थे, तो परेशानी होती थी, चोट वोट लग जाता था, लेकिन अभी अब अलग रखने के लिए दे दिया तो अब सुविधा हो रही है काम करने में। कचरे को अलग तरह से सेग्रीगेट करने से 2 तरह के फायदे हैं। प्रोसेसिंग करने लायक गार्बेज को तत्काल प्रोसेसर में भेज दिया जाता है, जबकि जो कचरा सीधे मार्केट से विक्रय करने योग्य होता है उसे विक्रय किया जाता है। इससे कचरे की प्रोसेसिंग बढ़ेगी और बिक्री करने लायक अपशिष्ट को बेचकर महिला समूहों की आय में इजाफा होगा।